और बॉक्सिंग में ओलंपिक से अच्छी खबर आ रही है। यहां पर लवलीना ने जीत हासिल कर ली है, ऐसे में उनका पदक मिलना लगभग तय हो चुका है। सेमीफाइनल में पहुंच गई है लवलीना बॉक्सिंग के, अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने शानदार जीत दर्ज की और ऐसे में बॉक्सिंग में लवलीना को पदक मिलना तय है। सेमीफाइनल में उनकी जगह बेहतरीन उम्मीदवार लवलीना ने यहां अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ओलंपिक से ये खबर आ रही है, बॉक्सिंग में लवलीना की शानदार जीत दर्ज हुई। सेमीफाइनल में पहुंच गई है लवलीना, बॉक्सिंग में उनका शानदार प्रदर्शन ओलंपिक से यह अच्छी खबर भारत के लिए, क्योंकि अब बॉक्सिंग में कम से कम एक पदक भारत। कल हमने देखा था कि मैरी कॉम बॉक्सिंग में हार गई थी, उसके बाद आज बॉक्सिंग के ही रिंग से यह अच्छी खबर भारत के लिए। ओलंपिक में लवलीना ने ताइपे की बॉक्सर को मात दी है, ताइपे की बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में उन्होंने जगह बना ली है। अब सेमीफाइनल के इस खेल पर सबकी नजर बनी रहेगी। लवलीना की शानदार जीत और कम से कम बॉक्सिंग के रिंग में एक पदक भारत के नाम हो सकता है। बॉक्सिंग में भारत का पदक पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा मेडल भारत के नाम हो सकता है, इससे पहले हमने चानू के नाम मेडल देखा था और अब ओलंपिक में देश के नाम एक और पदक पक्का हो गया है, यानी कि दो मेडल भारत के नाम। 69 किलो वर्ग में यह भारत का मेडल पक्का हो चुका है। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, एक अच्छी खबर से आज दिन की शुरुआत, दूसरा मेडल भारत के नाम हो सकता है और कल की जो मायूसी थी कम से कम उसके लिहाज से आज का अगर दिन देखें तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए यहाँ। नेहा, दूसरा मेडल भारत का पक्का हो चुका है, टेक्निकली भारत का ये दूसरा मेडल हो चुका है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, जूडो हो या फिर बॉक्सिंग हो, जैसे ही आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं मेडल अश्योर्ड हो जाता है, क्योंकि हारने वाले सेमीफाइनलिस्ट को भी मेडल मिलता है। तो ये भारत का दूसरा मेडल है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ब्रॉन्ज मेडल ही मिलेगा, क्या वो सेमीफाइनल में हारती हैं या फिर उसको सिल्वर या गोल्ड में तब्दील कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो सेमीफाइनल जीतती है तो जाहिर तौर पर फिर वो फाइनल में जाएंगी और गोल्ड और सिल्वर के लिए लड़ेंगी। तो ये भारत का दूसरा मेडल है, पक्का हो चुका है। असम की लड़की है और बड़ी जबरदस्त आप देखिए उनकी फाइट, वो तीनों राउंड में उन्होंने डोमिनेट किया और जिस तरह उन्होंने अपना डोमिनेट किया है, फिर अपने आपको आप जैसे जैसे आगे जाते रहते हैं अपने स्टैमिना पर भी आपको काम करना होता है, अपनी ताकत को बचा कर भी रखना होता है। और लास्ट राउंड में मैंने देखा कि वो थोड़ा सेफ खेली, वो जानती थी कि ताइपाई की जो बॉक्सर थी वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगी तभी इनके ऊपर जा पाएंगी और अपने आप को बचा कर रखा। ये शानदार जीत, 2012 में बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने मेडल जीता था और अब देखें आप 2020 में लवलीना को ये मेडल पक्का हो चुका है, लेकिन शुरुआत विजेंदर ने की थी 2008 बीजिंग ओलंपिक से।